तो अभी तक तो काफी अच्छा जा रहा है, ठीक है। आगे क्या होता है अभी नहीं पता, देखा जाएगा। कि यहाँ की एक तो हमने ये सुना था काफ़ी ज़्यादा कि मैनेजमेंट साइंसेज इनकी डिपार्टमेंट टॉप की है, पर इन्होंने एक बात मिस कर दी है, वो ये है कि और कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था। एजेबिस जो है 22 एकड़ पे टॉप क्लास, जो पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में आती है ना, जो कैफेटेरिया, हाँ वो यहाँ। अरे सीधी बात ही है, और कहीं एडमिशन ही नहीं मिल रहा था। कई बार अप्लाई किया था? किया था, उन्होंने एंट्री टेस्ट में भी नहीं बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम यूसुफ है, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बार फिर से ज़ेबिस्ट में मौजूद है, और इस बार हम ज़ेबिस्ट के स्टूडेंट से सवाल करेंगे कि आपने ज़ेबिस्ट क्यों चूज़ किया, व्हाई ज़ेबिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना नाम, डिपार्टमेंट और सेक्शन बताएं। मेरा नाम हमजा कदीर, डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सेमेस्टर 5। अच्छा, आपका नाम? अहमद अंसारी, डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सेमेस्टर 5। अच्छा, तो हम इनसे एक ही सवाल करेंगे जो हम सबसे कर रहे हैं, कि आपने ज़ेबिस्ट क्यों चूज़ किया, व्हाई ज़ेबिस्ट। ज़ेबिस्ट इसलिए हमने चूज़ किया कि इसमें जो फैकल्टी है वो ट्रेन है, पढ़ी लिखी फैकल्टी है, और जो बच्चों को इनका पढ़ाने का तरीका है, मेथड है, वो अच्छा है, इसलिए हमने इसको अडॉप्ट किया है। और इससे पहले भी हमारे जो जानने पहचानने वाले और रिलेटिव्स भी इसमें से पास आउट होके जा चुके हैं। अच्छा, इस वजह से फैकल्टी में से आपका फेवरेट टीचर कौन है? फेवरेट टीचर अगर पढ़ाई के लिहाज से देखा जाए तो नॉलेज पे जिसकी ग्रिप है जी, जब जो जिधर तक हमने पढ़ा अभी तक जी, तो अफान तूर साहब बेशक। अंसारी साहब, आपके क्या कहना है? यार इन्होंने एक बात मिस कर दी है, वो ये है कि और कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था। अबे हर बात मीडिया पर नहीं बताई जा सकती। अच्छा, ये इसके साथ इंक्लूड करना है? हाँ, ये इंक्लूड करना ये था। अच्छा, बाकी बात सही है इनकी। अच्छा, बाकी सब सही है। अच्छा है, बाकी बातों से आप इत्तेफाक करते हो? वो भी बता दो ना, कौन सा आपको टीचर पसंद है? जी यार, इन्होंने वो फैकल्टी वाली बात, चलो इन्होंने एग्री किया तो हम पूछ लेते हैं। तो अगर हम पूछे कि आपकी फेवरेट टीचर या फैकल्टी मेम्बर कौन है, तो क्या कहेंगे आप? यार मेरी तो कोई ख़ास है नहीं, लेकिन मेजोरिटी की यहाँ पर ना मैम ज़ैनब है। अच्छा चलो, जिन्होंने मैम ज़ैनब से पढ़ा है उनको पता होगा, वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मैम ज़ैनब क्यों अच्छी लगती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना नाम, डिपार्टमेंट और सेमेस्टर बताएं। मेरा नाम इमशा रहमान है, आई एम फ्रॉम मीडिया डिपार्टमेंट, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। माय नेम इज़ हसनैन करीम, और मेरा डिपार्टमेंट BBA है, फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है मेरा। अच्छा, जैसे आपको पता है कि हमारा आज सबसे एक ही सवाल है कि वाई ज़ेबिस्ट, आपने ज़ेबिस्ट क्यों चूज़ किया? मीडिया के लिहाज से इस टाइम ज़ेबिस्ट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इसीलिए आई चूज ज़ेबिस्ट। मैंने भी शुरू में यही सुना था कि लोगों ने मुझे बताया था कि BBA डिपार्टमेंट जो है ज़ेबिस्ट का बहुत अच्छा है, तो ऐसा कुछ शुरू से कोई प्लान तो नहीं था कि मैं ज़ेबिस्ट ही जाऊँगा, बस किस्मत ने इधर लाया है, तो फिलहाल सब कुछ अच्छा जा रहा है। अच्छा, आपने सुना था कि अच्छा है, अब फिफ्थ सेमेस्टर में आप पहुँचे, तो अब तक कैसा आउटपुट आ रहा है कि नहीं? यार टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ मतलब डिफरेंट तो नहीं है जो मैंने एक्सपेक्ट की थी कि यूनिवर्सिटी लाइफ से मुझे ये सीखने को मिलेगा, इस तरह की ग्रोइंग इन्वायरमेंट मिलेगी मुझे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है, सिर्फ पढ़ते ही आ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, घर जा रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा, कुछ न्यू नहीं हो रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, हाँ, कोई जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उस पर अभी तक यूनिवर्सिटी पूरी नहीं उतरी है। सही सही। वैसे सबको पता है कि ज़ेबिस्ट की जो मेन डिपार्टमेंट वो मीडिया ही है, तो मीडिया के आपने जो एक्सपेक्टेशंस थी और आपने जो इधर देखा है, तो वो मैच करती है कि नहीं? इट्स बीन लाइक 1 मंथ इन मीडिया डिपार्टमेंट, तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, ठीक है। आगे क्या होता है अभी नहीं पता, देखा जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि आपने ज़ेबिस्ट क्यों चूज़ किया, व्हाई ज़ेबिस्ट। अरे सीधी बात ही है, और कहीं एडमिशन ही नहीं मिल रहा था। बहुत नाजुक सूरत हाल है। कई बार अप्लाई किया था? किया था, उन्होंने एंट्री टेस्ट में भी नहीं बुलाया। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी में? यार क्या आजम में किया था। अच्छा, और फास्ट में किया था, कॉम सेट्स में किया था। अच्छा, इंटरव्यू तक के लिए नहीं बुलाया? नहीं, फिर मैंने कहा आखिरी ऑप्शन ज़ेबिस्ट।
इन्होंने बुला लिया? इन्होंने कहा आ जाओ। अच्छा, आपका ब्रो? मैंने लिया था ज़ैबिस एडमिशन पढ़ाई के लिए, लेकिन यहाँ सुना था कि ज़ैबिस कल्चर काफ़ी अच्छे हैं, इवेंट्स इवेंट्स वगैरह होते हैं, लेकिन जब से 2-2.5 साल हो गए हैं जब से हम आए हैं कोई इवेंट्स वगैरह नहीं, तो अब काफ़ी दिल सैड उदास हो गए ज़ैबिस से। इमोशनल टाइम है। बिल्कुल, मुझे भी आए हुए मतलब 2-2.5 साल हुए हैं और अब तक कोई इवेंट, बिल्कुल कोई भी इवेंट नहीं हुआ हुआ, और यही रीज़न है। ठीक है, और आपने क्यों ज़ैबिस चूज़ किया? क्योंकि यहीं एडमिशन मिला तो बस यहीं आ गई। आपको भी किसी और ने नहीं बुलाया? नहीं, मुझे बुलाया था। सच बोलो, सच बोलो। लेकिन बस ये इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि यूनिवर्सिटी छोटी है, क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं मुझे वो पर्सनली नहीं पसंद। कुछ भी चल चल के जाना पड़ता है। हाँ। अच्छा, ठीक है, कह सकते हैं। अच्छा, और अब तक एक्सपीरियंस कैसा रहा ज़ैबिस्ट में? अब तक एक्सपीरियंस अब होना शुरू हुआ है, क्योंकि पहले हम लोग ऑनलाइन पे थे और अब जब से हम यूनिवर्सिटी आने लगे हैं तो अब हमारी थोड़ी सी आपस में बॉन्डिंग बनने लगी है, तो अब एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। ठीक है, और ज़ैबिस्ट के अलावा आप क्या करती हैं? ज़ैबिस्ट के अलावा मैं फूड ब्लॉगर हूँ, मेरा पेज है फूड विद फायर के नाम से, और इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी और फूड ब्लॉगिंग, दैट्स ऑल। चलो, इन्होंने जो चैनल का नाम बताया मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चेक इट आउट। और आप लोग का एक्सपीरियंस कैसे रहा अब तक ज़ैबिस्ट में? ज़ैबिस्ट का एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा चल रहा है, मतलब कि पिछले 2 साल से फर्स्ट साल तो ऑनलाइन रहे, लेकिन एक अबाउट 1 ईयर से तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है। बस ये यूनिवर्सिटी थोड़ी छोटी है, बस किसी को बुलाते भी शर्म आती है कि अंदर तो शादी ख़त्म हो जाती है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अच्छा, शुरू होते ही खत्म हो गया, बिल्कुल यही हिसाब है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा, ऑनलाइन में भी अच्छा रहा, उसके बाद भी ऑनलाइन ज़्यादा सही था, मास्क वगैरह आ जाते थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये बात है, अभी भी आ जाते हैं। यहाँ प्रेयर रूम बहुत बड़े हैं गाइस, इस वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मैं अपने भाइयों को भी नमाज के साथ लेके जाती हूँ, प्रेयर रूम की वजह से हमें ज़ैबिस्ट बहुत अच्छी लगती है। प्रेयर रूम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी तो होते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी में मस्जिद होते बाकायदे, तो है भी रूम छोटा सा, छोटा सा बस नमाज की जगह होनी चाहिए, आप जहाँ मर्जी जाए। सही बात, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपना नाम, डिपार्टमेंट और सेमेस्टर बताएं। मेरा नाम रामी नासिर है और आई एम फ्रॉम BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और सेमेस्टर 4th है। 4th है। अच्छा, ये बताएं कि आपने ज़ैबिस्ट क्यों चूज़ किया? ज़ैबिस्ट मैंने इसी चूज़ किया था क्योंकि यहाँ की एक तो हमने ये सुना था काफ़ी ज़्यादा कि मैनेजमेंट साइंसेज इनकी डिपार्टमेंट टॉप की है, और सेकेंडली यहाँ के स्टडीज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा वो लोग सीरियस हैं स्टडीज़ के, दे आर वेरी सीरियस अबाउट द स्टडीज़। तो आपने जो सुना था इधर आके, जो बाबा आपने क्लासेस लिए, 4 सेमेस्टर गुजारे, तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी अगर हम पूछे, तो अब तक का कैसे एक्सपीरियंस रहा? यहाँ का मैं ये कह सकती हूँ कि फैकल्टी बहुत ज़्यादा आपकी ख्याल रखती है, आपके कोई भी नीड होती है वो तय, तो बहुत ज़्यादा लाइक दे मेक श्योर कि आपका वो पूरा हो। मेरा एक्चुअली मेरिट वगैरह पे रहती हूँ मैं, तो उसके मामले में वो उन लोगों ने बहुत मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया है। सही। और पढ़ाई के मामले में तो ऑब्वियसली वो टॉप ही है। सही। तो अब तक आपका फेवरेट टीचर कौन है, और एट द एंड CGPA अपना बताएं? टीचर्स में से सबसे फेवरेट मेरे सर आमिर रियाज कुरैशी है, क्योंकि उनका एक जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं वो। और मेरा CGPA एट द मोमेंट 3.79 है। अच्छा, वेरी नाइस, तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपना नाम, डिपार्टमेंट और सेमेस्टर बताएं। मेरा नाम साजिद वाजिद है, माजिद नहीं वाजिद, साजिद या वाजिद? साजिद वाजिद। साजिद वाजिद जी, और माजिद? माजिद नहीं है। ठीक है, ठीक है, समरिया। अच्छा, साजिद माजिद। अच्छा जी, मैं BSSC सॉफ्टवेयर 5th सेमेस्टर में हूँ अभी। अच्छा, तो आप ये बताया कि आपने ज़ैबिस्ट क्यों चूज़ किया? ज़ैबिस्ट क्यों चूज़ किया? क्यों चूज़ किया यार, आपको नहीं पता ज़ैबिस्ट क्यों चूज़ किया? नहीं आपको नहीं पता ज़ैबिस्ट क्यों चूज़ किया? नहीं यार, मुझे कैसे पता? सबसे पहले ये कि ज़ैबिस्ट जो है 22 एकड़ पे, 22 एकड़ पे टॉप क्लास जो पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में आती है ना, जो कैफेटेरिया, हाँ वो यहाँ पे। झूठ बोलो यार, इधर छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी, आपने देखी नहीं अपने कैफेटेरिया? कोई और भी है इसके अलावा जो मैंने देखी वो तो बहुत छोटी सी है यार। और फुटबॉल ग्राउंड इतना बड़ा है, 11 साइड फुटबॉल ग्राउंड है यार। ये तो यार फुटबॉल ग्राउंड दिखा दो एक बार, 11 साइड है ना ये यार, इतना छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड बहुत बड़ा है यार। देखो आप, वो पीछे एक डिपार्टमेंट है, क्या नाम है उसका, ज़ैबिस्ट जो उनका नहीं है, IT डिपार्टमेंट, वो पीछे पीछे दिखा दे, पीछे दिखा दे, ये IT डिपार्टमेंट, हाँ IT डिपार्टमेंट वो पीछे वाला है।
ये तो यार शिफा का नहीं है? शिफा नहीं पागल है, आप गए नहीं आप वहाँ पे? नहीं यार मैं इधर नहीं, वो शिफा डिपार्टमेंट है। बार बार झूठ बोलो। अच्छा। जो सामने वो लॉ डिपार्टमेंट है, वो भी जेबिस्ट का है। जो पीछे सुपर ढाबा है। अच्छा सुपर ढाबा। सुपर ढाबा, सुपर से ऊपर ढाबा है। अच्छा। और तारिक भाई के चन्ने। ओए ओए क्या बात, आप कहोगे डाडो मजा आएगा। अच्छा ये बताइए कि अब तक का आपका फेवरेट टीचर कौन सा है? मेरा फेवरेट टीचर कोई नहीं है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के बाद। कोई फेवरेट नहीं है? नहीं नहीं। ये क्या मतलब? मैम जिनाब इफ्तिखार फेवरेट? यस। उससे ये एक दो और लड़कों से भी मैंने पूछा था तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि मैम जैनब इफ्तिखार जी। तो जो जिन्होंने मैम जैनब से पढ़ा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैम जैनब की क्या खासियत आपको लगती है और क्यों है? मैम जैनब बहुत अच्छी है। अच्छा। वो 5-6 सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ाती है। क्या बोला तूने? इकट्ठे पढ़ाती है जी। सही माशाल्लाह। और जो यहाँ की जो बाय द वे गप तो बात लगती रहेगी जी, लेकिन यहाँ की जो फैकल्टी है वो टॉप क्लास है। ठीक है, वो सही पढ़ाते हैं। वो पढ़ाने के अंदाज़ जो है और स्टूडेंट्स को डील करना ये इस यूनिवर्सिटी का एक प्लस पॉइंट है। सही सही जी। तो कुछ और हमारे व्यूवर्स को आप पैगाम देना चाहेंगे? व्यूवर्स को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ें, नहीं पढ़ना है तो फिर आपको पता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। पता है उनको, पता है। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आज के लिए मुझे इजाज़त दे, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज़। I'm not gonna lie.